करते, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर डायरेक्टली इन्वॉल्व है मणिपुर में जो हो रहा है। यहाँ मणिपुर के लोग बैठे हैं, आरामबाई तेंगुल, मेतेई लिपुम, ये दो संगठन है आरएसएस के जिन्होंने ये सारा कारनामा अंजाम दिया है। अमित शाह साहब के साथ मिलके जिन्होंने ये सारा कारनामा अंजाम दिया है, चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह के साथ मिलके मेटिकुलस प्लानिंग से एक एक काम हुआ है, वहां पे कुछ भी स्पॉन्टेनियस नहीं हुआ है। जब तक हम इस बात के लिए कार्रवाई नहीं करेंगे, और ये जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई अभी चल रही है उससे कुछ होने वाला नहीं, कुछ नहीं होने वाला। मैं एज लॉयर सुप्रीम कोर्ट आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। बात एक दो महीने में आई गई हो जाएगी, उन लोगों के साथ वहां ज्यादती होगी। आरएसएस और बीजेपी पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट और सारे बॉर्डर लाइन एरियाज को कमजोर कर रही है, ये हमारी जिम्मेदारी है। आर्टिकल फर्स्ट नंबर वन बचाना सबसे पहले। मणिपुर के लिए हमें जाना चाहिए डेलीगेशन बना के, और सच्चाई सामने लानी चाहिए कि आरएसएस ने, अमित शाह साहब ने और चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर ने ये प्लानिंग करके अपने कार्डर्स से कराया, कोई मैथी समाज ने नहीं किया है, उनके कार्डर्स ने किया है। गुड़गांव में और नूह में उनके कार्डर्स ने सब किया है, गुजरात में उनके कार्डर्स ने सब कुछ किया है, और दिल्ली के दंगों में हमने ये एस्टेब्लिश कर दिया है कि आम आदमियों ने कुछ नहीं किया, उनके कार्डर्स और उनके भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों ने ये सब काम किया है। यही हमें करना पड़ेगा। मणिपुर के लिए प्लान बनाइए कि हम लोग वहां जाएं और एक्सपोज करें कि मणिपुर में क्या हो रहा है, क्या हो रहा था और क्या हो रहा है अब। और उसमें अमित शाह साहब सबसे बड़े चाणक्य हैं, उनको अरेस्ट कराने के लिए जब तक हम कोई कार्रवाई नहीं कर पाते मणिपुर का कुछ भला नहीं हो सकता। मैं ये बात दावे और गारंटी से कह रहा हूं। ही इज द मेन मास्टर।